what kind of depth you need, what kind of originality you need, what kind of answer writing approach you should follow, how to utilize previous year question, how to utilize NCERTs and standard books, how to read current affairs. GS 1, 2, 3, 4 के लिए ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये शॉर्टकट है, ये नोट्स हैं, ये टॉपर्स के मटेरियल हैं, ये पढ़ लो. पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप होना है कोई आइडिया नहीं. जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी और जब न्यूज़पेपर लिया तो न्यूज़पेपर मैंने मॉर्निंग 10 AM से लेकर 5 PM तक पढ़ा था. क्यों पढ़ा था? क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर किसी ने मुझे बताया था कि हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, हर पेज इंपॉर्टेंट होता है. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एरीट एकेडमी. और आज हम कुछ बातें करेंगे जिससे मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव्स दूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू एज वेल. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माय एक्सपीरियंसेस. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब मैंने क्या किया, किस तरीके की गलतियाँ हुई. आई रिमेम्बर जब मैंने पहले दिन पढ़ाई स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स बैक जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी और जब न्यूज़पेपर लिया तो न्यूज़पेपर मैंने मॉर्निंग 10 AM से लेकर 5 PM तक पढ़ा था. क्यों पढ़ा था? क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर किसी ने मुझे बताया था कि हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, हर पेज इंपॉर्टेंट होता है, हमें बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स करना होता है. यू वॉन्ट बिलीव, मैंने ऑबिचुरी सेक्शन भी पढ़ा कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो नहीं मर गई है, उस पर कहीं क्वेश्चन ना आ जाए. आई चेक एवरी कॉलम बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट डे. और मुझे 10 to 5 लगा, मैं बैठा रहा विदाउट ब्रेकफास्ट विदाउट लंच, मैं बैठा रहा कि ठीक है नहीं, मुझे देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है. एंड जब मैं नोट बना रहा था मैंने हर एक चीज़ के डिटेल नोट्स बनाए कि अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह उस टाइम पे चलता था कि अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल का आउटकम क्या होगा. सो आई वॉज लाइक कि अच्छा सब कुछ नोट करना है. दिस वॉज न्यूज़पेपर. जब मैच्योरिटी आई 1 ईयर के बाद, 2 ईयर्स के बाद जब एक्सपीरियंस हुआ, देन आई वॉज एबल टू रीड 4 आवर्स में 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. और तब ऐसा लगता था कि आज बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई. देन आई वॉज लाइक ओके, होल डे आई हैव यूटिलाइज प्रॉपरली एंड आई हैव रेड अलॉट, सफिशियंट पढ़ाई हो गई. ये मेरा न्यूज़पेपर का एक्सपीरियंस था. कमिंग टू प्रिलिम्स, प्रिलिम्स में जब हम पढ़ाई स्टार्ट किए देन पीपल वर लाइक कि एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटीज बहुत जरूरी है और एनसीईआरटीज से ही सिलेक्शन होता है. When we started reading NCERTs, NCERTs में पहले highlight किया, हर एक word को highlight किया, line, कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि सारे pages पे underline ही रहता था और कुछ दिखता ही नहीं था. थोड़ी maturity आई, side में लिखना शुरू किया, then देखा कि अच्छा NCERTs से standard books भी पढ़ना important है. तो standard books, you won't believe if I say this, कि मैंने जब अपना first attempt दिया, मैं बिपिन चंद्रा मोटीवाली और लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर पढ़ के गया एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा प्रिलिम्स हो जाएगा. आई वॉज वेरी होपफुल कि मेरा प्रिलिम्स हो जाएगा. सारी एनसीईआरटीज भी नहीं पढ़ी थी, सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं पढ़ी थी. और जो ये टेम्पटेशन होता है ना कि देखने के लिए देखे देखते हैं, आई लॉस्ट माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन दैट, कि देखने के लिए देते हैं कि कैसा पेपर आता है. कोई बताने वाला नहीं था कि पेपर आप बाहर भी देख सकते हो. दिस वॉज माई प्रिलिम्स एक्सपीरियंस. इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लेके वेन पीपल से, ये जो लोग होते हैं ना वो कौन होते हैं, आपके रूममेट्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, हु आर नॉट ट्रू मेंटर्स बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस दे आर हेल्पिंग यू. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर कहा जाता था कि अच्छा ये पढ़ लो. वेन आई स्टार्टेड रीडिंग मुझे लगा कि हाँ यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. वी स्टार्टेड रीडिंग क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स को उन्हीं थीम्स को बार बार पढ़ते थे. लेकिन उससे क्या पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, द वे आई एम डूइंग नाउ, ये मैच्योरिटी जो मुझे आई है जो मैं आप लोग को देता हूँ वो तब नहीं थी. देन वी आर लाइक कि अच्छा बार बार वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहो, हो सकता है कि उसमें से कुछ आ जाएगा. बट वॉट काइंड ऑफ डेप्थ, वॉट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, वॉट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, वॉट काइंड ऑफ अप्रोच वी शुड हैव गाइडेड बाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट वॉज लैकिंग. So this was prelims and newspaper ka experience, current affairs ka experience. Now I will share my GS preparation ka experience. GS ki jab hum preparation karne lage tab books aati thi. Koi kisi ne bol diya international relation ki Rajiv Sikri padh lo, badi achhi book hai. Exam orientation usme kya hai? GS 1, 2, 3, 4 ke liye ye padh lo, wo padh lo, ye shortcut hai, ye notes hain, ye toppers ke material hain, ye padh lo. Perspective kaise develop hona hai? Koi idea nahi. एंड स्पेशली जब आप मेरी तरह सेल्फ स्टडी करते हो तब काफ़ी जो ओरिएंटेशन है वो आपका गड़बड़ होता है. आप एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह होते हो, इधर उधर घूमते रहते हो बस. आंसर राइटिंग की जब आता है,
ठीक है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी ज्वाइन किए, आंसर राइटिंग गाइड करने के लिए लोग भी थे, बट उनका भी हमेशा कुछ दो तीन बातें रहती थी, यू नीड टू डेवलप ओरिजिनैलिटी, यू नीड टू ब्रिंग डेप्थ, बट हाउ टू डू दैट, हाउ टू ब्रिंग ओरिजिनैलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनैलिटी? यू वोंट बिलीव, व्हेन आई रोट माय फर्स्ट एस्से और लोगों को दिखाया, टीचर्स को दिखाया, मेंटर्स को दिखाया, दे वर लाइक आर्ग्यूमेंट्स लिखो। भाई आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट? ठीक है, अब तो मैं ऐसे की क्लासेस लेता हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाता भी हूं कि आर्ग्यूमेंट की मीनिंग क्या होती है। आंसर राइटिंग उनका अच्छा है, इनका अच्छा है, दैट पर्सन हैज वेरी गुड होल्ड, बट हाउ टू डेवलप दैट होल्ड कोई बताने वाला नहीं था। हाँ, लोग ये बताते थे कि होना चाहिए, कैसे होना चाहिए नहीं, क्या करना है हर कोई बताता था, बट कैसे करना है कोई नहीं बताता था। दिस इज आंसर राइटिंग। इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ क्लासेस, सिंस सारी मैंने पढ़ाई सेल्फ स्टडी से की, जब क्लासेस की बात आई तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में मुझे इकोनॉमी डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है क्लासेस कर लेते हैं। दैट टाइम आई वॉज इन ओल्ड राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में मैंने क्लासेस इकोनॉमी की, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स से पहले ज्वाइन की, मैं नाम नहीं लूंगा, हाउएवर ले लूंगा तो ज़्यादा ही अच्छा है कि किसी का नुकसान ना हो, बट ठीक है, लेट्स कीप इट न्यूट्रल। तो इकोनॉमी की क्लासेस हुई, उन क्लासेस में शैलो इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जाती थी, ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता था, हंसी मजाक ज़्यादा हो, क्लास के एंड में लगता था कि आप आए गए, मेट्रो से आए, अपना टाइम दिया, आपको लगता था पढ़ाई बहुत हो रही है, फिर फाइनल क्लास कंक्लूड होता है जिसमें आपको लगता है यार बड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हुए हैं, पता नहीं आपको समझ में नहीं आया, आपकी मैच्योरिटी कैसी है, अच्छा ठीक है देखेंगे सीखेंगे, आप लड़ते रहते हो खुद से। आई एम वेरी श्योर आप रिलेट कर पा रहे होगे कि क्लासेस जाना, क्लासेस से आना या खुद पढ़ना, दिमाग में कितने तरीके का द्वंद्व चलता है, द काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, द डायलमाज, वी विल ऑलवेज स्ट्रगल, ओके वी फील लाइक अच्छा वन डे आई विल ऑल्सो क्वालिफाई, मैं अपना भी दिन आएगा, मोटिवेट करते रहते हैं खुद को। क्लासेस खत्म हुई, क्लासेस के बाद टेस्ट रखा गया इन दैट इकोनॉमी क्लास, और जो टेस्ट हुआ, टेस्ट में इट वॉज लाइक 3-4 ईयर्स बैक का डेटा, वो भी फैक्चुअल चीजें, इकोनॉमिक सर्वे 2007-8 के हिसाब से पल्सेस का ग्रोथ कितना है, पल्सेस का प्रोडक्शन कितना है, व्हाट द हेल, ऐसी चीजें यूपीएससी पूछता ही नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज, कई बार ये जो क्लासेस होती भी हैं, उन क्लासेस में एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं होता है और इतना ज्यादा बेसिक पढ़ाया जाता है कि उस बेसिक का यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट से दैट, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम ओरिएंटेशन तो इंपॉर्टेंट है। पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से क्लासेस क्यों नहीं चेंज होती हैं, उन ट्रेंड के हिसाब से आंसर राइटिंग में क्यों नहीं डेप्थ आती है। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस, ओवरऑल मैंने अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी थी वो नटशेल में आपको एक्सपीरियंस दिया कि व्हाट ऑल आई वाज गोइंग थ्रू। दिस वाज लाइक 13-14 ईयर्स बैक, मतलब 10 साल पुराना भी मान लो, 1 decade बैक भी अगर मैं कहूँ। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई एम सीइंग जो मेरे पास बच्चे आते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिनकी भी कॉल आती है, 10 साल 15 साल बाद भी यही प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। हम तो इवॉल्व हो गए, वी हैव डेवलप्ड दिस मैच्योरिटी, बट देर आर स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग इवन आफ्टर द क्लासेस और दे आर डूइंग द सेल्फ स्टडी। यू वोंट बिलीव, कल शाम को एक कॉल आई मेरे पास। आप लोगों ने अगर YouTube पे फॉलो किया है, YouTube पे देखा होगा कि जो भी हमारे क्विज आते हैं उसमें कॉमेंट्स आते हैं, एक नाम है जिसको आपने भी देखा होगा, सुविंदु। कल सुविंदु ने मुझे फ़ोन किया कि सर आई वॉन्ट टू डिस्कस सर्टन थिंग। ठीक है, डिस्कस किया हम लोगों ने। हिज पॉइंट वॉज कि सर मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है, दैट्स वाई आई वॉज स्ट्रगलिंग एंड आई थॉट टू कॉल यू एंड टू डिस्कस ऑल द इशूज कि क्या क्या मेरे प्रिपरेशन में प्रॉब्लम चली, मुझे अटेम्प्ट देना है कैसे, क्या सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, एम आई डूइंग फाइन है, एंड दीज आर माई डाउट्स। सो स्टिल स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। बट कल मुझे कुछ हिट किया। क्या हिट किया? जब सुविंदु ने कॉल किया, एंड लाइक दिस आई वॉज गेटिंग कॉल्स बिफोर एज वेल, बट यस्टरडे आफ्टर सुविंदुज कॉल, हु इज फ्रॉम वन ऑफ द रिमोट एरियाज, एंड ही गेव मी अ कॉल इन बैंगलोर, आई एम इन बैंगलोर, आई कुड रिलेट विद हिम, जो मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था कुछ सालों पहले अपनी प्रिपरेशन, आई कुड रिलेट विद हिम, वो मुझे रेजोनेट किया। देन आई ऑल्सो रिलेटेड कि ऐसे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये सारी प्रॉब्लम होती होगी। यस, ऑफलाइन वी आर हैंडलिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे आप लोग को वीडियोज दी जाएँ जिससे आप लोग को हेल्प मिले। सो इंस्पायर्ड बाई दैट मुझे ये क्लिक हुआ कि वाई डोंट वी ऑफर यू सर्टेन मेंटरशिप सेशंस फ्री, ऑफकोर्स फ्री, आई नो दैट यू गाइज
have your own respective problems, limitations. But at least if there is somebody, if you have this faith ki mera doubt resolve karne ke liye koi hai, definitely it gives us immense confidence and happiness ki main kahin bhi hoon, mera doubt resolve karne ke liye there is somebody. So the whole story or the moral of the story jo meri thi ya jo main Suvendu ka bata raha hoon, or like this the experiences which I'm sharing from of my students offline or online is कि इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी में somebody इज नॉट देयर टू गाइड यू टू मेंटर यू व्हाट काइंड ऑफ डेप्थ यू नीड व्हाट काइंड ऑफ ओरिजिनलिटी यू नीड व्हाट काइंड ऑफ आंसर राइटिंग अप्रोच यू शुड फॉलो हाउ टू यूटिलाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाउ टू यूटिलाइज एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स हाउ टू रीड करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस पढ़ लेते थे हमें लगता था कि बहुत कुछ पढ़ लिया बट हाउ टू डेवलप दैट डेप्थ अगर कोई बताने वाला होगा जीवन आसान हो जाता है सिलेक्शन आसान हो जाता है एंड यू कैन सी योरसेल्फ इन दैट होली लिस्ट अभी हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं सो वी कैन रिलेट कि जिनके ऊपर काम हुआ है जिन बच्चों ने अपने डाउट्स को रिजॉल्व किया हाउ दे आर गेटिंग सेलेक्टेड इट्स ऑल अबाउट डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड अदर थिंग्स बट इफ समबडी इज गाइडिंग यू एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन दैट विल एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन सो कीपिंग दैट इन माइंड वी आर initiating this free mentorship ek initiative hai what we will do here we will give you a link of calendly jis pe aap appointment book kar sakte ho so the link is given in the description box what you have to do jo bhi dates aapko dikhayega us dates pe available slots ja ke aapko book karne hain hum aapko 1 mahine 1.5 mahine 2 mahine ke pehle karne denge let's utilize this week first so whatever you aise hum next week mein bhi aapko mentorship slot denge I will keep reminding you about this and I will give you the options where you can book appointment with us and we will resolve all your doubts so make best use of this hame koi guide karne wala nahi tha hame mentorship nahi mili that is a feeling through which I want to give back to you we as academy we want to give back to you ki aapko agar koi doubts aate hain we are there for you utilize this opportunity utilize this initiative free mentorship aap appointment book kare you will receive a call doubts apne ready rakhiye it will be resolved so this is all about my experience and guided by my experience guided by my observation how students are struggling now as well this is a small gratitude a small initiative for our aspirants community for our followers make best use of it see you in the next video